इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मौजूदा कॉरपोरेशन चुनाव में बहुत कुछ तब्दीलियां देखने को मिली, तो आने वाले दिनों में सियासत क्या करवट ले सकती है इसका भी महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। भले ही ईवीएम पर इल्जाम लगाया जा रहा हो, पर इतना जरूर है कि जो भी तब्दीलियां सामने आई हैं अलग सियासी नजरिए को पेश कर रही है। पिछले कॉरपोरेशन चुनाव में समिति के तकरीबन 32 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, पर मौजूदा इस चुनाव में भाजपा ने साफ अक्सरियत हासिल करते हुए समिति के वजूद पर ही सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। अब इससे अलग अलग पस मंजर में देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव कुछ अच्छा पैगाम लेकर नहीं आया। कांग्रेस लीडर सतीश जारकीहोली ने कांग्रेस की शिकस्त पर बयान देने की बजाय समिति की नाकामी के लिए समिति के आपसी इख्तलाफात को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत महज समिति के इख्तलाफात की वजह से हुई है, कोई ये ना समझे कि मोदी का जादू वगैरह चलाओ। लिहाजा समिति का मराठी वोटर आज भी समिति के पीछे, ऐसा सतीश जारकीहोली ने बताया। खैर, जरूरत थी कि सतीश जारकीहोली कांग्रेस की शिकस्त पर बात करते पर समिति की नाकामी पर बोल गए। थोड़ा कांग्रेस का जायजा लेते हैं तो यह बात साफ नजर आ रही कि कांग्रेस में सिवाय उर्दू वोटरों के दिगर वोटरों को अपने पास महफूज रखने में नाकाम हो चुके। कांग्रेस पार्टी को नए मंसूबे के साथ भाजपा का मुकाबला करना होगा। यह भी सच है कि दलित वोट भी अब भाजपा की तरफ खिसक चुका है। लिहाजा क्या अब कांग्रेस अकलियती समाज खासकर मुसलमानों की ही रह जाएगी, ऐसा सवाल भी खड़ा लाजमी हो गया। क्योंकि अगर 10 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर चुने गए हैं तो 8 मुसलमान हैं। अब इसे क्या कहा जाए, दिगर वार्डों में क्यों कांग्रेस के उम्मीदवार जीत नहीं पाए? इसका मतलब कॉर्पोरेशन चुनाव में भी अब धर्म की बुनियाद पर ही लड़े जा रहे हैं क्या? इस तरह का सवाल भी उठना लाजमी है, जिसका सीधा असर कॉर्पोरेशन चुनाव में देखा गया। मराठी वोटर अगर समिति के पीछे होने की बात कही जा रही है तो फिर मराठी उम्मीदवार भाजपा से क्यों जीते? समिति ने अपने 23 उम्मीदवार खड़े किए थे, फिर महज 4 पर ही इस तरह सिमटना क्या महज इत्तफाक है या भाजपा का तसल्लुत कहा जाए? कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए लम्हे पिक रहे, इन्हें संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल बाद असेंबली चुनाव आने वाले हैं। 12 कांग्रेस ने यह भरोसा दिलाया कि इस बार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में इख्तदार पर रहेगी। बेलगाम के साथ गुलबर्गा और हुबली में भी भाजपा ने बढ़त बना ली है। सवाल तो इस पर भी बार उठाए जा रहे हैं कि जब से भाजपा इख्तदार पजीर हुई है, सिवाय महंगाई, बेरोजगारी, देश की मिल्कियत को बेचना, मजहब के नाम पर तशद्दुद कायम करना, पेट्रोल, गैस, डीजल, तारीखी ऊंचाइयों पर पहुंचना, यही तो हो रहा है 2014 से, यही तो हो रहा है। मजदूर खुदकुशी कर रहा है, किसान सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, फिर भी आखिर भाजपा जीत कैसे रही है? आम आवाम परेशान है, तो फिर भाजपा का जीत का फंडा क्या है? क्या महज मुसलमानों को डरा कर अक्सरियत हिंदू वोटों को हासिल कर रही है, ईवीएम के जरिए जीत दर्ज की जा रही है? जो भी हो, पर कुछ आम आवाम के लिए कुछ करे या ना करे, पर चुनाव जीतने का फॉर्मूला भाजपा को मिल चुका है। अब तो हुकूमतों को बनाने गिराने का भी इन्हें इतना तजुर्बा हुआ है कि अगर कोई भी किसी भी पार्टी से जीत कर आ जाए तो उस एमएलए एमपी को फौरन खरीदने की सलाहियत भाजपा रखता है। रिसोर्ट में रखकर इनका दाम लगाया जाता है, सीडी मामले के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। अब तो तमाम साम दाम दंड वेद इस्तेमाल करने के बाद आखिर कौन सी पार्टी है जो इन्हें हरा सकेगी, इस तरह के सवाल भी जहन में आना जरूरी हो जाता है। अब इसे क्या कहेंगे, बेलगाम कॉर्पोरेशन में 35 कॉर्पोरेटरों के साथ सत्ता हाथ लग चुकी है, और वैसे भी मरकज और रियासत में भी इन्हीं की हुकूमत है। मुस्लिम कॉर्पोरेटर अब विपक्ष का किरदार निभाएंगे। वैसे भी क्या कोई बेबाकी के साथ असेंबली में अकलियती के मसाइल पर, इनके कॉर्पोरेशन बेलगाम की बात चल रही है, मसाइल पर आवाज उठा पाएंगे? अगर आवाज उठाएंगे तो क्या असेंबली में इनके मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी? क्या अकलियतों के वार्डों में तरक्कियाती कामों को उस रफ्तार से अंजाम दिया जाएगा जैसे उमूमन दिगर वार्डों में दिए जाते थे? आखिर क्या साफ सफाई में अकलियती वार्डों को नजरअंदाज किया जाता है? क्या इसमें आवाम की भी गलती है? लिहाजा तमाम सवाल आज भी वही के वही है। एक बड़ी तादाद तो मुस्लिम कॉर्पोरेटरों की नजर तो आ रही है, पर क्या हकीकत में भी इसका तसल्लुत कॉर्पोरेशन में रहेगा, जबकि सत्ता तो भाजपा के हाथ में है? आने वाले असेंबली चुनाव में फिर से भाजपा का आना भी कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बेलगाम कॉर्पोरेशन में जिन मुस्लिम कॉर्पोरेटरों ने जीत दर्ज की है, बेहतर माशरे के लिए आवाज उठाते हुए वोटरों के भरोसे को कायम रखने की कोशिश करें। सबसे अहम बात तो यह है कि इन पूरे 14 कॉर्पोरेटरों में इत्तेहाद रहे, क्योंकि अलग अलग लॉबियां काम करती रहती है और कर रही है। बड़े सियासी कायद अपने जेर मातहत कॉर्पोरेटरों को रखने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ कॉर्पोरेटरों ने बड़े सियासी लीडरों से दौरान इलेक्शन पैसे भी लिए हैं, लिहाजा इत्तेहाद कितना मजबूत हो सकता है, ये भी एक सवाल है।
खैर तमाम सवालात और शकुशुबात के दरमियान उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि इस बार 14 कारपोरेटों की जीत भी गैर मामूली है। बदलते सियासी मंजर में इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।